हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 22 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का एक्सरसाइज 22A। इसके पहले ऑलरेडी मैंने एक्सरसाइज 22A के ऑलरेडी दो वीडियो अपलोड करके यूट्यूब पे रखा है, जो आपने नहीं देखा हो तो चैनल पर जाके देख लो, और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, सो अभी अपने स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 21 से, राइट। टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करेंगे सम्स। चलो 21 नंबर सम्स, आगे के सम्स ऑलरेडी चैनल पर है, आप जाके देख लेना। क्वेश्चन लिखो, 1 + cot A - cosec A, ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 1 + tan A + sec A, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 2, आपको प्रूव करना है। सो LHS लिखो। मैंने आपको हर बार बोला गया है कि जब भी आपको साइन और कॉस के अलावा कोई वैल्यूज दी गई हो तो उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करने का सोचो। तो कॉट का क्या आएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए, और कॉसेक का आएगा 1 / sin A। ओके, ब्रैकेट क्लोज। सेकंड ब्रैकेट में 1 + tan का आएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, और सेक का आएगा 1 / cos A, राइट। सो दोनों LCM सेम है, यहाँ पे नहीं तो मल्टीप्लाई करो, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1, राइट। सेकंड नीचे लिखो साइन ए, ब्रैकेट क्लोज करो, यहाँ पे लिखो कॉस, यहाँ पे ले जाओ कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, नीचे लिखो कॉस ए। ओके, बीच में मल्टीप्लाई की साइन है। अभी क्या करो, ये एक ब्रैकेट में लिखो और इसको एक ब्रैकेट में लिखो। ओके, ये एक ब्रैकेट में लिखो और इसको एक ब्रैकेट में। अभी क्या बनेगा, ऊपर देखो न्यूमरेटर में a माइनस बी ए प्लस बी, सो a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे आएगा साइन a इंटू कॉस ए, राइट। चलो अभी क्या करो, स्क्वायर है तो a प्लस बी की फॉर्मूला अप्लाई करो, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, माइनस 1 का तो 1 ही आने वाला है आपका, नीचे लिखो साइन ए इंटू कॉस, सो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 1 + 2 साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई, ये तो है आपके पास साइन ए इंटू कॉस है, सो 1 कहाँ से है पता चला, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और माइनस 1 एज इट इज, ये दोनों कट हो गए, सो 2 sin A / cos A / sin A / cos A, तो ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएगी आपकी कट, तो आंसर मिला 2 इज इक्वल टू RHS। इज दैट क्लियर, हैव एनी डाउट। ओके, नेक्स्ट हम पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे, राइट। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, क्या लिखा है कि आपको इसके नीचे हिंट भी दी गई है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 + tan² A + cot² A। ओके, चलो सो यहाँ पे क्या करेंगे अपने, LHS इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, इसका हो गया, सेम इसी के लिए अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू लिखी दो 1, राइट, प्लस 2 एज इट इज 2 साइन ए का एज इट इज रहेगा, कॉसेक स्क्वायर का लिखो, कॉसेक ए का लिखो 1 / sin A, राइट यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट बात करो, कॉसेक स्क्वायर ए को एज इट इज लिखो, इसको अभी कोई चेंज मत करो, चेंज करना आएगा बाद में, यहाँ पे प्लस 2 कॉस एज इट इज एंड सेक ए का आएगा 1 / cos, और सेक स्क्वायर ए भी आपका एज इट इज नीचे वाला, करेक्ट, कॉस ए कट साइन ए कट, सो 1 + 2 = 3, 3 + 2 = 5, 5 कहाँ से आया 5 पता चला, ये 2 यहाँ पे बचे, ये 2 यहाँ पे बचे,
टू प्लस टू फोर और ये 1 5, यहाँ पे कितना है कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, और ये जो सम दिया है ना ये सीबीएसई बोर्ड में भी सेम सम है, ओके एनसीईआरटी की बुक में। अभी आप क्या करो, फाइव एज इट इज कॉसेक स्क्वायर की फॉर्मूला अप्लाई करो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर ए की जगह पे अप्लाई करो 1 प्लस टेन स्क्वायर है, राइट 5 6 7, ओके 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, आगे आपका आंसर इज इक्वल टू आर एच एस, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 23 पे चलेंगे, ऑलरेडी इसकी हिंट दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग ही आपको जाना है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे, लिखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया गया है। कॉस क्यूब ए प्लस साइन क्यूब ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए प्लस की साइन कॉस क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस साइन ए इज इक्वल टू 2 आपको लाना है। चलो क्लियर, ओके। सो आपको यहाँ पे फॉर्मूला कौन सी अप्लाई करनी है, पहले आपको फॉर्मूला लिख के बता देते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ब्रैकेट में आएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो फॉर्मूला याद कर लेना, ए प्लस बी का होल क्यूब ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलो थोड़ा सम भी लेंथी जाएगा, लिखो एल एच एस, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं यहाँ पे, कॉस ए प्लस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए। ये किसकी बात की, सिर्फ इसका मैंने सॉल्यूशन लिखा, अभी प्लस की साइन और इसका सॉल्यूशन, कॉस ए माइनस साइन ए दूसरे ब्रैकेट में आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस साइन ए। अभी देखो कॉस ए प्लस साइन है, ऊपर भी कॉस ए प्लस साइन है, निकाल दो नीचे ये वाला प्लस के बाद भी, देखो इसका आंसर कॉस ए माइनस साइन है, ये भी कट कर दो, राइट यहाँ तक का। अभी लिखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए इंटू साइन है, सेम प्लस की साइन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 और ये एज इट इज कॉस ए इंटू साइन है, तो यहाँ पे देखो माइनस कॉस ए इंटू साइन है प्लस कॉस इंटू साइन, दोनों कट 1 प्लस 1 2 आर एच एस, ओके क्लियर। 23 नंबर वाला सम्स, देखो ट्रिग्नोमेट्री इतनी टफ नहीं है, थोड़ा सा आप अगर उसको अच्छे से क्लियर करोगे बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको सम्स आ ही जाएंगे। 24 नंबर के सम्स की बात करेंगे, टेन ए ब्रैकेट नीचे आएगा 1 माइनस कॉट ए प्लस की साइन कॉट ए डिवाइड में आएगा 1 माइनस टेन ए, आपको प्रूव करना है सेक ए इंटू कॉसेक ए प्लस 1, राइट। चलो अभी क्या करोगे आप, यहाँ पे एल एच एस लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टेन ए ब्रैकेट 1 माइनस टेन ए राइट प्लस कॉट ए ब्रैकेट 1 माइनस कॉट ए डिवाइड में क्या आएगा 1 माइनस कॉट ए, दूसरे में आएगा 1 माइनस टेन ए, यहाँ तक का क्लियर। अभी क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई कर लेना है, किसका किसका मल्टीप्लाई करोगे आप, सो यहाँ पे भी आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, ये सम को क्या करेंगे, इस सम का क्या करेंगे, इस फॉर्म में नहीं करेंगे अपने सॉल्व, राइट साइन अपॉन कॉस वाले फॉर्म से करेंगे, तो टेन ए का क्या आएगा साइन ए अपॉन कॉस ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट का क्या आता है कॉस ए अपॉन साइन ए, ये वाले मेथड से भी आ जाएगा, बट ये वाले मेथड अप्लाई नहीं करनी है क्योंकि ये फॉर्मूला ये वाले फॉर्मूला से अपने सम को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट कॉट का क्या आएगा कॉस ए अपॉन
साइन ए ब्रैकेट में वन माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। ओके यहां तक क्या क्लियर हुआ? इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए एज इट इज न्यूमरेटर का, डिनोमेटर में क्या करोगे साइन को यहां पे ले जाओ, सो क्या आएगा साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस की साइन, यहां पे भी कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस यहां पे ले जाओ कॉस माइनस कॉस ए माइनस साइन ए और डिवाइडेड बाय कॉस ए। चलो यहां तक का क्लियर हुआ आपका? ओके अभी क्या करो इसका रिसिप्रोकल कर दो, राइट रिसिप्रोकल किस तरह करेंगे? सो साइन ए अपॉन कॉस ए एज इट इज इनटू साइन ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, क्लियर? चलो अभी यहां पे क्या करेंगे सेम एज इट इज फॉर्मूला, प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए करेंगे डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस साइन ए। अभी क्या करना है आपको एक स्टेप, सो यहाँ पे साइन माइनस कॉस है, यहाँ पे कॉस माइनस साइन है, साइन आपको चेंज कर देनी है। सो क्या आएगा ऊपर साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, यहाँ पे क्या करेंगे माइनस कॉमन निकालेंगे तो मेरे न्यूमरेटर में आएगा कॉस स्क्वायर ए और डिनोमिनेटर में आएगा साइन ए दूसरे ब्रैकेट में आएगा, अगर माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो ये वैल्यूज चेंज हो जाएगी साइन ए माइनस कॉस ए। चलो यहाँ तक का क्लियर हुआ? ओके अभी क्या करना है देखो ये दोनों डिनोमिनेटर में सेम है, सिर्फ साइन को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो कॉस को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, राइट सो क्या लिखेंगे इसके लिए साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए डिनोमिनेटर में साइन ए इंटू कॉस ए और एक बार लिख देंगे साइन ए माइनस कॉस ए। चलो राइट यहां से अपने ये लिख दिया देखो ये साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई होता साइन क्यूब हुआ और कॉस यहाँ पे हुआ तो कॉस क्यूब हुआ, राइट अभी अपने फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली फॉर्मूला से। सो एक ब्रैकेट में लिखो ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में लिखोगे ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ओके और डिवाइड में क्या आएगा साइन ए इंटू कॉस ए दूसरे ब्रैकेट में आएगा साइन ए माइनस कॉस ए। तो देखो ये दोनों कट हो गए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए और टोटल डिवाइड में आएगा साइन ए इंटू कॉस ए, दोनों को इंडिविजुअल दे दो राइट वन अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए प्लस न्यूमरेटर में साइन ए इंटू कॉस ए तो है और नीचे आ जाएगा फिर से एक बार साइन ए इंटू कॉस ए। देखो ये इसको मैंने इसके नीचे भी दिया और इसके नीचे भी दिया ये दोनों कट वन अपॉन साइन इंटू कॉस तो क्या आएगा सेक ए इंटू कॉसेक ए प्लस वन इज इक्वल टू आर एच एस, इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट सम के बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की, 24 हो चुका है, क्या लिखा है 25 में टेन थीटा प्लस साइन थीटा टेन थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू प्रूव करना है आपको सेक थीटा प्लस वन अपॉन सेक थीटा माइनस वन, ये आपको प्रूव करना है राइट एल एच एस बताया गया मैंने बहुत बार क्योंकि जब भी अगर टेन और इसके अलावा और किसी में भी दिया होता है तो साइन और कॉस में उसको कन्वर्ट करो सबसे पहले, तो करेंगे अपने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, राइट दोनों में से साइन थीटा कॉमन निकाल लो तो क्या आएगा वन प्लस कॉस थीटा प्लस वन, सेम यहाँ पे भी साइन थीटा कॉमन निकाल लो वन माइनस कॉस थीटा वन अपॉन कॉस थीटा माइनस वन ये दोनों कट हो गए राइट अभी क्या करो वन प्लस कॉस थीटा का क्या आ जाएगा आपका सेक थीटा प्लस वन और वन अपॉन कॉस थीटा का क्या आएगा फिर से सेक थीटा और माइनस वन तो एज इट इज आपके पास है इज इक्वल टू आर एच एस, क्लियर सिर्फ साइन ही कॉमन निकाला और कुछ नहीं किया है
नेक्स्ट हम में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 रीड करो क्वेश्चन नंबर। चलो क्या लिखा गया है, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस वन अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस वन इज इक्वल टू वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। इस तरह का आपको क्वेश्चंस दिया गया है। चलो LHS, राइट, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा एज इट इज, राइट, माइनस वन की जगह पे आपको क्या लिखना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन की, और नीचे आपको एज इट इज लिखना है, नीचे कोई चेंजेस नहीं करना है डिनोमिनेटर में, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस वन। ओके, यहाँ तक का क्लियर। फिर से ये लिखो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा और एक ब्रैकेट बना दो। अभी यहाँ पे क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में आएगा ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में आएगा ए प्लस बी। ओके, ब्रैकेट क्लोज। नीचे डिनोमिनेटर में सेम, डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं करेंगे अपने, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस वन। अभी क्या करना है आपको कि भाई कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, यहाँ पे भी कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इसको कॉमन ले लो, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ओके, दोनों कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचा, वन माइनस की साइन, माइनस कॉसेक थीटा और माइनस माइनस प्लस कॉट थीटा, डिवाइड में चेक करो, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस वन। देखो ये दोनों ऊपर नीचे सेम आ गए, इसको कट करो, आपके पास क्या बचा, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। कॉट का क्या आता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और साइन कॉसेक का क्या आएगा, वन अपॉन साइन थीटा। ओके, सो डिनोमीटर सेम है तो ऊपर लिख दो कॉस थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू RHS। ओके राइट, चलो इसके बाद और आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 की। 27 क्वेश्चन चेक करो क्या दिया है, कॉट ए माइनस वन अपॉन टू माइनस सेक्वेयर ए इज इक्वल टू कॉट ए डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन ए। इस तरह का आपको क्वेश्चंस कुछ दिया गया है, राइट। सो सबसे पहले आप लिखो LHS, कॉट ए माइनस वन का लिखो कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस वन डिवाइडेड बाय टू एज इट इज, सेक्वेयर का क्या आएगा, वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए, राइट। चलो इक्वल टू की साइन, साइन सम मल्टीप्लाई कर लो, कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए अपॉन क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर सामने चला जाएगा, तो टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए, राइट। यहाँ तक का क्लियर हुआ। अभी आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है इसका, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए है आपके पास, इंटू ये ऊपर चला जाएगा, डिवाइड का डिवाइड कॉस स्क्वायर है अपॉन टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, राइट। यहाँ तक का कोई डाउट नहीं, चलो। सो अभी भी कोई चेंजेस नहीं, ये वाला ब्रैकेट सेम लिखेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस, यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एज इट इज, टू कॉस स्क्वायर है तो दो बार लिख दो, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, राइट। यहाँ तक का ओके, सो सेम कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं साइन ए के लिए, मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर है। ओके, अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है कॉमन लिया तो क्या ब्रैकेट में क्या आएगा, माइनस वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, राइट, क्या आएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, करेक्ट। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे,
वन को आगे ले गया और कॉस स्क्वायर को पीछे निकाला और माइनस कॉमन ले लिया, राइट। वन माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, साइन स्क्वायर है, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर है एज इट इज, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट। चलो कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन साइन है एज इट इज है आपके लिए, इंटू कॉस स्क्वायर है और यहाँ पे दो बार आएगा, कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले, तो ये दोनों कट हो गए, राइट। आपके पास क्या बचा, न्यूमेरेटर में कॉस स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में साइन ए ब्रैकेट कॉस ए प्लस साइन ए। देखो इसके अलावा इसका कोई फर्दर नहीं हो रहा है, तो इसको एज इट इज रखो, लेकिन एल एच आर एच एस में देखो आपका आंसर अलग दिया गया, अलग फॉर्म में, मतलब ये नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है अभी, आर एच एस को प्रूव करना है, राइट। चलो करते आर एच एस, कॉट अपॉन वन प्लस टेन है तो कॉट का क्या आएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए, यहाँ पे क्या आएगा वन प्लस साइन ए, टेन की जगह पे क्या आएगा साइन अपॉन कॉस ए, राइट। ओके सो कॉस ए अपॉन साइन ए न्यूमरेटर एज इट इज, और नीचे क्या करो साइन कॉस को मल्टीप्लाई करो, कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, देखो डिवाइड का डिवाइड ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए ब्रैकेट में कॉस ए प्लस साइन ए, सो कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड में आ जाएगा आपका साइन ए ब्रैकेट कॉस ए प्लस साइन ए। सो देखो आप एल एच एस का आपका आंसर चेक करो और आर एच एस का आंसर चेक करो, तो यहाँ पे लिख दो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ओके क्लियर। चलो नेक्स्ट सम की बात करेंगे, 28 नंबर के क्वेश्चन की। चलो सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 28 लिख लेते हैं, वन अपॉन सेक ए प्लस टेन ए माइनस वन अपॉन कॉस ए आएगा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस ए माइनस ब्रैकेट सेक ए माइनस टेन ए, इस तरह का दिया गया है, राइट। सो वन अपॉन सेक ए प्लस टेन ए आपके पास है, राइट। इसके साथ क्या करो, रेशनलाइज करो, सेक ए प्लस टेन ए की जगह पे सेक ए माइनस टेन ए से आप मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, और माइनस वन अपॉन कॉस का क्या आ जाएगा सेक ए, राइट। चलो ये क्या आएगा, सेक ए माइनस टेन ए डिवाइड बाय सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर, ये कहाँ से आया आपका, सो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो न्यूमरेटर में कोई चेंजेस नहीं होगा, सेक ए माइनस टेन है, लेकिन नीचे क्या आएगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू वन और माइनस सेक एज इट इज, ये दोनों कट, आंसर क्या मिला माइनस टेन ए, राइट। ये आया आपका एल एच एस का आंसर। इसी तरह आप आर एच एस लिखो, क्या दिया आर एच एस में, वन अपॉन कॉस ए माइनस वन अपॉन सेक ए माइनस टेन ए, सो वन अपॉन कॉस का क्या आ जाएगा सेक ए माइनस की साइन, वन अपॉन सेक ए माइनस टेन ए आपके पास है, आप रेशनलाइज करो सेक ए प्लस टेन ए से ऊपर नीचे, करेक्ट राइट ना, ओके। नेक्स्ट सेक एज इट इज आएगा, न्यूमरेटर में भी आपका सेम आएगा, राइट, सेक ए प्लस टेन ए, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि आगे माइनस की साइन थी, नीचे क्या आएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू वन, सो सेक एज इट इज माइनस के साथ अंदर दे दो तो माइनस सेक ए प्लस माइनस माइनस टेन है, सो ये दोनों कट, आंसर क्या मिला माइनस टेन है। सो एल एच एस का आंसर चेक करो, आर एच एस का आंसर चेक करो, दोनों सेम, लिख दो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ओके। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलेंगे, 29 क्या दिया हुआ है, साइन ए अपॉन कॉट ए प्लस
कॉसेक ए इज इक्वल टू 2 प्लस साइन ए अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए, राइट। चलो इसमें किस तरह करना है आपको, सेम रेशनलाइज करके अपने सम को सॉल्व करेंगे। ओके क्लियर। चलो यहाँ पे बात करेंगे, सबसे पहले LHS साइन एज इट इज, नीचे दिया गया है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, अपने क्या करेंगे ऊपर नीचे रेशनलाइज करेंगे कॉट ए माइनस कॉसेक ए से। ओके सेम यहाँ पे कॉट ए माइनस कॉसेक ए से सी ओ कॉसेक ए से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, करेक्ट। अभी क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, साइन ए इंटू कॉट ए माइनस साइन ए माइनस साइन ए इंटू कॉसेक ए। चलो नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा आपका कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर। देखो यार ये थोड़ा सा उल्टा लिखा है मैंने, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है आता है। ओके राइट, तो नीचे आएगा आंसर माइनस वन बनेगा। अगर आप यहाँ पे चेंज कर दो कॉसेक के माइनस कॉट है फिर भी राइट है, साइन एज इट इज कॉट की जगह पे आएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, माइनस एज इट इज माइनस साइन ए कॉसेक की जगह पे आएगा वन अपॉन साइन ए, तो ये दोनों कट। नीचे कॉट स्क्वायर है माइनस कॉसेक, मैंने बोला था उल्टा लिखा इसलिए माइनस वन में लिखेंगे, साइन साइन कट सो कॉस ए माइनस वन अपॉन माइनस वन, तो इसको माइनस वन ऊपर दे दो तो वन माइनस कॉस ए मिलेगा। सो इसी तरह आपको RHS लिखना है, RHS में क्या करेंगे आप टू प्लस साइन ए अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए इस तरह लिखेंगे। ओके इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सो यहाँ से पहले हम माइनस की साइन अलग करो, माइनस साइन ए क्यों ऐसा करना है क्योंकि आगे आपने ने जो मिस्टेक की थी यहाँ पे ना करें, माइनस वन लिखना पड़े इसके लिए, कॉसेक ए माइनस कॉट है और यहाँ पे आप रेशनलाइज करोगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए से। ओके चलो राइट, टू एज इट इज माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस साइन ए इंटू कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू कॉट ए और डिवाइड में क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है, इन दोनों का आंसर तो वन मिल जाएगा राइट। टू एज इट इज माइनस साइन ए एज इट इज, कॉसेक का क्या आएगा वन अपॉन साइन ए, माइनस साइन ए कॉट का क्या आएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, ये दोनों कट ये भी कट, डिवाइड में तो वन है लिखने की जरूरत नहीं है, सो टू माइनस वन माइनस कॉस है तो टू माइनस वन वन माइनस कॉस है, सो दैट ये LHS चेक करो RHS, तो LHS इज इक्वल टू RHS। ओके देन नेक्स्ट हम की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की, 30 में क्या दिया हुआ है कॉट ए माइनस टेन ए इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, राइट। चलो LHS करो, कॉट की जगह पे क्या लिखेंगे अपने कॉस ए अपॉन साइन ए, माइनस टेन की जगह पे लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए। अभी क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। चलो ये क्लियर। ओके कॉस स्क्वायर एज इट इज आपका आएगा माइनस की साइन, साइन स्क्वायर की जगह पे लिख दो वन माइनस कॉस स्क्वायर है। ओके राइट, और नीचे तो आपका एज इट इज है साइन ए इंटू कॉस ए, राइट। चलो कॉस स्क्वायर ए माइनस दे दो माइनस वन माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन एज इट इज डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस ए। ये सम को आप LHS और RHS से भी प्रूव कर सकते हो, ओके बट मैंने इस तरह कर दिया क्योंकि डायरेक्टली ये प्रूव हो जा रहा है टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन साइन ए इंटू कॉस आ गया आपका, सो इज इक्वल टू RHS। सो आज का सेशन यहाँ पे फिनिश करेंगे, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में।